हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनिशियन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं आज हम परमेय 7.1 को, ठीक है। तो इसमें ASA सर्वांग समता नियम, ये क्या कहा है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर होती है। ये ASA मतलब कि आपका सर्वांग समता का ये वाला नियम है, ठीक है, जिसमें दो कोण होते हैं और एक भुजा, ठीक है। इन्होंने कहा कि अगर दो कोण मतलब कि जैसे ये त्रिभुज आपका ABC और एक त्रिभुज आपका कौन सा है, ये वाला DEF, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आपके दो त्रिभुज हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, दो कोण मतलब कौन कौन से, ये कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर, क्योंकि दो कोणों के बीच के अंतर्गत भुजा जो है, ठीक है। तो उसने ये कहा कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा बराबर है, ये दिया है, ठीक है, ये बात दी है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम है, ये आपको सिद्ध करना है। तो पहले एक बार लिख लीजिए आप यहाँ पर कि हमें दिया क्या है। दिया है, देखिए, दिया है कोण ABC, कोण ABC ये बराबर किसके है, ये बराबर है कोण DEF के, क्योंकि ये कोण इसके बराबर है, ठीक है। कोण ABC बराबर है कोण DEF के, एक बात। दूसरी में क्या कहा कि कोण ACB, कोण ACB बराबर है, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, कोण DFE के, कोण DFE, ठीक है, ये दिया है आपको। फिर सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है देखिए, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज DEF के। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के, ठीक है। अभी तक तो हमने वही किया है जो क्वेश्चन ने बोल क्वेश्चन मतलब उसमें बोला है, मतलब जो है ये जो नियम प्रूफ करना है, सिद्ध करना है ASA सर्वांग समता का नियम, ठीक है। अब इसको कैसे सिद्ध करें हमें ये देखना है, ठीक है। अब इसमें जो है कुछ बच्चों का मतलब ये मानना रहता है कि हमने ASA सर्वांग समता का नियम को सिद्ध करना है तो हम SAS को क्यों लगा देते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए, उसने ये कहा कि भाई दो कोण, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है, वो बात उसकी सही है। उसने कहा कि ये है तो ये त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करने हैं। तो अब उसमें ये है कि भाई अगर ये बराबर हैं तो ये सर्वांग सम होंगे भी या नहीं, तो हमें क्या करना है। अब आप जानते हैं एक बात कि सर्वांग समता की नियम की एक बात होती है, अगर दो त्रिभुज सर्वांग समता है, सर्वांग सम है सॉरी, कि कोई से भी नियम से हो, SAS से हो या ASA जो भी कोई हो, ठीक है, कि मतलब तीन नियम में किसी भी नियम से अगर ये हैं तो होता क्या है, उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं मतलब आपके जो संगत उनकी जो भुजा होती है, संगत कोण मतलब जो संगत भाग होते हैं दोनों त्रिभुज के, वो क्या होंगे, वो आपस में बराबर होते हैं, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, मतलब ये जो AB भाग है ये किसके बराबर होगा, संगत भाग, ये DE के बराबर होगा। जैसे ये कोण है ना, कोण B वाला, मतलब ABC किसके बराबर है, AEF के। इसी तरीके से ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा आपकी मतलब AC जो है, ठीक है, ये किसके बराबर, ये DF के बराबर, ठीक है। अगर ये हम बराबर दिखा दें तो फिर क्या होगा, तो कोई सा भी आपका नियम हो तो ये हो जाएगा कि त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमें क्या दिखाना है, अगर ये तीन तो हमें दिए ही थे, ये बी वाला ई के, सी वाला एफ के और ये भुजा इस भुजा के, BCEF के। लेकिन हम एक अगर और दिखा दें, एक या दोनों ही दिखा दें, या एक दिखा दें कोई भी, मतलब कि AB को DE के बराबर अगर हम करके दिखा दें, तो
तो ये सिद्ध हो जाएगा कि इसके सारे कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं, ये संगत जो भाग हैं इस दोनों त्रिभुजों के, वो आपस में बराबर हैं, तो इसलिए ये क्या होंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें केस बनाते हैं। देखिए, उपपत्ति, तो अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले वाले हम केस में क्या करेंगे, क्योंकि ए बी डी ई के बराबर अभी नहीं है, ये बात हमें मतलब पता है कि अगर ये सर्वांगसम होंगे दोनों त्रिभुज तो ये ए बी डी ई के बराबर होगी, ठीक है ना, लेकिन अभी तो नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें केस फर्स्ट ले लेंगे, केस फर्स्ट। ठीक है, तो अब इसमें कहते हैं, मान लेते हैं, माना कि ये ए बी जो है वो बराबर है डी ई के। ठीक है, ये हमने क्या करी, मान लिया, कल्पना कर ली। ठीक है, एक बात, अब क्या करेंगे, अब हम दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए क्या देखते हैं, हमने देखा कि कोण ए बी सी जो है, कोण पहले एक भुजा लिख लेते हैं कि बी सी बराबर क्या है, ई एफ के है, बी सी बराबर है ई एफ के, और ये क्या है, ये बात हमें दी थी इन्होंने, हमने जैसे यहाँ पे लिया था, दिया है बी, ये दो तो कोण देते हैं और एक भुजा दी थी, बी सी बराबर ई एफ। ठीक है, क्या है ये, दिया है। चलिए, एक बात होगी क्लियर, अभी हमने एस तो ले लिया, मतलब भुजा तो ले ली, अब कौन कौन सा लेंगे, हम ये वाला ले लेते हैं, कोई भी ए बी सी, मतलब जो कोण ए बी सी ये बराबर है किसके, कोण डी ई एफ के, कोण डी ई एफ, ये भी क्या है, ये भी दिया है आपको, दिया है। क्लियर होगी इतनी बात। अब तीसरी बात हम लेते हैं, एस ए और एस, एक भुजा, एक भुजा कौन सी ले लेते हैं इन दोनों त्रिभुज में, ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर डी ई। ठीक है, क्यों लिए, क्योंकि हमने कल्पना करी है, ठीक है ना, मानी है या कल्पना की है, जो भी है, कल्पना से इसको हमने इसलिए बराबर लिया। अब आपने देखा क्या देखा यहाँ पे, कि जब ये मतलब जो तीनों चीज़ ये हो गई, एस बी ए बी एस बी, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये त्रिभुज दोनों क्या हो गए आपके, सर्वांगसम हो गए। कौन कौन से त्रिभुज, ए बी सी, ये सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, और ये आपका किस किससे हुआ, एस ए एस, एस ए एस से। क्लियर हो गई इतनी बात। अब हमने क्या, ये सर्वांगसम कब सिद्ध करे, ये सर्वांगसम हमने तब सिद्ध करे हैं जब ए बी बराबर डी ई के है, लेकिन ए बी बराबर डी ई तो हमने कल्पना की है, अभी ये सिद्ध तो नहीं हुआ कि ए बी डी ई के बराबर है, अगर ए बी डी ई के बराबर सिद्ध हो जाती है तो ये सारा हल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मान कर देख लेते हैं कि अभी तो हमने ए बी को डी के बराबर लिया तो सर्वांगसम सिद्ध हो गया। ठीक है, अब हम ए बी को डी के बराबर मानते नहीं है, अब हम ए बी को बड़ा मान लेते हैं डी ई से। ठीक है, तो अब हम केस सेकंड ले लेते हैं, अब हमने ले लिया केस सेकंड। केस सेकंड में हमने क्या करा कि जो ए बी है ये क्या है, ये बड़ी है, ग्रेटर देन, ठीक है, किससे, डी ई से, इसको भी मान लिया हमने। अब देखते हैं अब क्या होता है कि जब ए बी बड़ी है डी ई से, ठीक है, ए बी बड़ी है डी ई से, इसका मतलब डी किसी के तो बराबर होगी, ये तो बात होगी ना। तो हमने क्या करा, इसके बाद मान लिया पहले ए बी बड़ी है डी ई से, फिर हमने ए बी पर एक बिंदु पी ले लिया, ठीक है, ए बी पर एक बिंदु पी इस प्रकार लिया ए बी पर एक बिंदु हमने पी जो है इस प्रकार से लिया कि जो ये पी बी है, ठीक है ना, ये इतनी भुजा जो है पी बी, ये किसके बराबर है, ये डी ई के बराबर है। ठीक है, इस प्रकार से लिया कि पी बी बराबर है डी ई के।
ठीक है, पी बी बराबर डी ई के। अब पी से सी को भी मिला लेते हैं, पी से सी को मिलाया, देखिए इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अभी तक हमने कुछ ऐसा खास नहीं किया, बिल्कुल समझने वाली बात है इसमें कि सबसे पहले हमने देख लिया ये दोनों त्रिभुज हो गए, दो कोण दे दिए और एक भुजा इन्होंने बराबर दे दी थी खुद से। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमें जो है जब ये सर्वांगसम सिद्ध करने, तो हम जानते हैं सर्वांगसम की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि मतलब सारे संगत भाग जो है, मतलब जो आपकी ये इधर से संगत भुजा जो होगी, मतलब कि ये भुजा इस भुजा के बराबर, संगत कोण आपस में ये सब क्या होंगे, बराबर होंगे जो है, ठीक है। तो अब इसमें जब ये बराबर होंगे तो हमने अब ए बी को पहले बराबर ले लिया डी ई के, ठीक है। अब लेकिन हम क्योंकि हमने, हमें पता तो है नहीं कि भाई ए बी डी ई के बराबर, अब की बार हमने क्या कर लिया, ए बी को डी ई से बड़ा लेकर देख लिया। तो अब ए बी को जब डी ई से बड़ा लिया तो बिंदु पी इस प्रकार से लिया कि ये जो पी बी है डी ई के बराबर, क्योंकि डी ई किसी ना किसी के तो बराबर होगी, तो हमने इस प्रकार से ले लिया कि पी बी बराबर डी ई के हो गया। अब हम दो त्रिभुज ले लेते हैं, कौन कौन से ले लेते हैं दो त्रिभुज, ये वाला और ये वाला, मतलब जो त्रिभुज पी बी सी, त्रिभुज पी बी सी, ठीक है, वह त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है। हमने ये दो त्रिभुज लिया कि त्रिभुज पी बी सी व डी ई एफ में, तो इसमें होगा क्या, अब यहाँ पे देखिए पी बी बराबर डी ई तो है ही, पी बी बराबर डी ई, क्योंकि हमने क्या करी रचना, तो ये होगी आपकी रचना से, ठीक है, एस तो होगी। अब ए, एक एंगल ले लो कोई सा भी, कौन सा ले लेते हैं हम यहाँ से, हम यहाँ से ले लेते हैं एंगल जो है पी सी बी, ठीक है, हमने ले लिया एंगल कोण, मतलब जो कोण लिया आपका पी सी बी, पी सी बी ये बराबर किसके होगा आपका, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, कोण डी एफ ई के, कोण डी एफ ई के, ठीक है। और ये कैसे बराबर हुआ आपका, ये कौन जो है बराबर, सॉरी ये वाला कौन जो है, ये इसके बराबर तो है नहीं ना अभी, इसके मतलब हम कौन सा लेंगे, पी बी सी ले लेते हैं हम यहाँ पे जो है, हम ले लेते हैं यहाँ पे पी बी सी, और ये पी बी सी बराबर होगा डी ई एफ के, डी ई एफ के, क्यों ले लिया हमने बराबर, क्योंकि ये तो दिया, ये जो है कौन इसके बराबर क्या होगा, दिया है, क्योंकि ये जो पी बी सी कौन है, क्योंकि जो पी बी सी कौन है वो कौन सा है, ए बी सी तो है, चूँकि कौन पी बी सी बराबर है कौन किसके, ए बी सी के, ठीक है, इसलिए हमने कौन पी बी सी को बराबर ले लिया, कौन डी ई एफ के, ये कौन इसके बराबर हो गया, ये क्या हो गया, दिया है, दिया है। तो एक भुजा हो गई आपकी, एक कौन हो गया, दूसरी भुजा यही वाली लेंगे, बी सी बराबर किसके ले लेंगे, ई एफ के, बी सी बराबर है ई एफ, ये भी आपको क्या है, दिया है। तो अब यहाँ से हमने क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज पी बी सी जो है, त्रिभुज पी बी सी ये सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के एस ए एस सर्वांगसमता कसौटी से, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज जो हैं सर्वांगसम हो गए, तो अब आप जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनके जो संगत भाग होंगे वे भी बराबर होंगे। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो कोण पी सी बी, अब आप इसको बराबर कर सकते हैं किसके, कोण डी एफ ई के, ठीक है, इसलिए कोण पी पी सी बी बराबर होगा कोण डी एफ ई के, ठीक है। कोण पी सी बी जो होगा, मतलब ये वाला कोण, ठीक है, ये जो कोण होगा पी सी बी, ये डी एफ ई के बराबर हमने कर दिया, ठीक है। और ये कैसे करा, बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी से, सी पी सी टी आपको मालूम है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है।
ठीक है, मतलब जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब संगत जो आप सॉरी जो आपके सर्वांगसम त्रिभुज हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो संगति तो होगा या भी, अब ये जब जैसे पी बी सी और डी ई एफ जब ये दोनों त्रिभुज जो हैं आपके सर्वांगसम सिद्ध हो गए, मतलब वो हुए, तो यहाँ से सर्वांगसम होने से क्या कारण ये वाला जो कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा नहीं होगा, ठीक है। चलो अब हमने ये तो कह दिया, अब लेकिन जो डी एफ ई है ये देखिए डी एफ ई ये किसके बराबर था, ये तो ए सी बी के बराबर था, यहाँ है ठीक है ना, डी एफ ई ए सी बी के बराबर है, चूंकि कोण डी एफ ई बराबर है किसके, डी एफ ई बराबर है कोण ए सी बी के, डी एफ ई जो है वो बराबर किसके हैं, कोण ए सी बी के। अब आगे देखते हैं, जब आपका कोण डी एफ ई बराबर है ए सी बी के और डी एफ ई पी सी बी के बराबर है, तो हम पी सी बी को कौन पी सी बी को बराबर कह सकते हैं, कौन ए सी बी के। भाई यहाँ से इतना तो आ गया होगा आपको समझ में जो है कि भाई कौन पी सी बी और कौन ए सी बी के बराबर है। क्या पी सी बी, देखिए पी सी बी का मतलब क्या हुआ, ये वाला कौन हुआ, ये वाला आपका, ठीक है, ये पी सी बी हुआ, और ए सी बी क्या हुआ, ए सी बी जो है ये पूरे बड़े वाला हुआ। अब आप ये देखिए कि ये वाला कोण छोटा वाला कोण जो है पूरे बड़े वाले कोण के बराबर आया है निकल कर, मतलब इसमें जैसे हमने करा है, तो क्या ये संभव है, हाँ ये संभव है, लेकिन कब, ये तब संभव है जब ये पी बिंदु क्या होगा, ए पर होगा, मतलब पी बिंदु ए के संपाति होगा, मतलब ये पी बिंदु कहाँ एग्जिस्ट करता होगा, ए पर, ठीक है। यह संभव है, यह संभव तभी है होगा जब P बिंदु A के संपाति होगा, संपाति का मतलब A पर होगा, मतलब ठीक है ये होगा। अच्छा यहां तक की बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कि यह P बिंदु जो है जब A पर होगा तब यह संभव हो सकता है, ठीक है। अच्छा जब P बिंदु A पर होगा तो ये पी बी जो होगा वो ए बी के बराबर आ जाएगा, क्लियर सी बात है भाई। P को अगर आप यहाँ रख देते हो तो ये P B होगा और ये A A B यहीं पर है, तो ये A B मतलब P B A B आपस में क्या हो गए, ये बराबर हो गए, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे P B बराबर क्या हो जाएगा आपका, A B हो जाएगा, ठीक है। P B किसके बराबर होगी, A B के, ठीक है। अच्छा लेकिन जो आपकी A B है, P B बराबर है A B के, और जो P B है वो यहाँ पे क्या थी, डी ई के बराबर भी थी, ठीक है रचना से, तो पी बी बराबर ए बी और पी बी बराबर जो है डी ई रचना से, इसको आप इक्वेशन भी मान सकते हो कि भाई इसको इक्वेशन एक मान लेते हैं, इसको इक्वेशन दो मान लेते हैं, ठीक है भाई पी बी बराबर डी ई, तो इक्वेशन एक व दो से क्या हो गया समीकरण, समीकरण एक व दो से ये बराबर हो गया, ए बी बराबर किसके आ गया आपका, डी ई के आ गया। देखिए जो हम आपको समझाना चाह रहे थे वहीं पर आ गए हैं कि ए बी किसके बराबर आ गया है, ए बी जो है डी ई के बराबर आ गया है, मतलब हम अगर ए बी को डी ई से बड़ा भी लेकर अगर हम चलते हैं, ए बी को डी ई से बड़ा भी लेकर चलते हैं तो भी ए बी क्या है, डी ई के बराबर आ गया। क्यों आ गया ये बराबर, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है और सर्वांगसम त्रिभुजों के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या जिसको हिंदी में संगत भुजा या संगत कोण कहते हैं वो आपस में बराबर होते हैं सभी के सभी, तो इसी कारण ए बी जो है अगर हम बड़ा भी लेकर चलते हैं तो भी ए बी क्या होगा, डी ई के बराबर ही आएगा। अब ए बी जब डी ई के बराबर आ जाता है, जब ए बी डी के बराबर आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, ए बी तो डी ई के बराबर है, एक बात, कौन बी कौन ई के बराबर है, और कौन सी सॉरी बी सी बराबर ई एफ के हो गया, भाई ए बी बराबर डी ई के, कौन बी बराबर किसके, कौन बी बराबर कौन ई के, और कौन सॉरी बी सी बराबर किसके हो गया, बी सी बराबर ई एफ के। तो आप कह सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी जो होंगे वो सर्वांगसम होंगे त्रिभुज डी ई एफ के, त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के।
क्लियर हो जाना चाहिए अभी आपको बात जो है बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें केस थर्ड करना चाहो कर सकते हो, अगर इतना भी छोड़ना चाहो इतना भी छोड़ सकते हो, क्योंकि केस थर्ड में भी सिंपल बिल्कुल उसी की तरह से ही होगा। करना क्या है मतलब भाई, वैसे तो ये सिद्ध हो गया कि भाई हमारा त्रिभुज ABC जो है वो DEF जो है, ABC और DEF जो है वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हमने सिद्ध कर दिए, ठीक है। अब केस थर्ड में उस हो सकता है क्या करेंगे भाई, हमने AB अभी DE से बड़ी लेकर देखी है, अब AB को क्या कर देंगे हम छोटी लेकर देख लेंगे, ठीक है। वो भी केस आपको मैं करवा देता हूँ, ये त्रिभुज ABC हो गया आपका और ये वाला त्रिभुज DEF हो गया, ठीक है। और अब हम क्या कह रहे थे, अब हम कह रहे थे जो केस थर्ड बना रहे थे हम, इसमें केस थर्ड उसमें हम कह रहे थे कि AB जो है वो अभी बड़ी थी और अब क्या छोटी हो जाएगी DE से, ठीक है। तो जब DE अब की बार बड़ी है, DE अब की बार अगर बड़ी है तो AB DE पे कहीं ना कहीं तो लाई करती होगी, मतलब कहीं ना कहीं लाई करने का मतलब है कि DE से मतलब जैसे DE पे अगर हम बिंदु कोई ले लेते हैं, जैसे हमने M बिंदु ले लिया, तो मतलब M बिंदु इस प्रकार से लेंगे कि जो ME होगी वो तो AB के बराबर होगी, मतलब AB DE के किसी ना किसी पार्ट के तो बराबर होगी। चाहो जैसे DE आपकी बड़ी है, DE आपकी बड़ी है तो AB भी तो उसके उस पर कहीं ना कहीं तो आती होगी, मतलब सपोज करो AB यहाँ तक आ जाएगी, भाई अगर DE बड़ी है इतनी बड़ी है तो AB यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमने M बिंदु DE पर इस प्रकार से ले लेंगे जैसे पहले वाले में करा है, तो M बिंदु इस प्रकार से ले लेंगे हम कि जो है ME होगा, ME भुजा जो होगी वो AB के बराबर हो जाएगी, उसी प्रकार से रचना लिए जैसे पहले वाला केस किया है, बिल्कुल सेम केस है। अब इस M बिंदु को हम मिला लेते हैं किससे, F से। अब देखिए बिल्कुल सेम वही केस है कि भुजा DE पर एक बिंदु M इस प्रकार से लिया कि क्या हो गया, ME बराबर हो गया आपका, ME बराबर हो गया AB के, इसको इक्वेशन एक भी मान लो, हमने पहले बाद में मानी थी, ठीक है। ME बराबर क्या हो गया आपका, AB के हो गया, ठीक है। अच्छा अब हम दोनों त्रिभुजों में ले लेंगे, जैसे हमने अब पहले वाले में लिया था कि त्रिभुज अब ABC और MEF में ले लेते हैं, त्रिभुज ABC व त्रिभुज MEF में, देखो एक बात तो ये होगी ME बराबर हो गया आपका AB के, ये कहाँ से आया, ये रचना से आया आपका, ठीक है। तो ऐसा होगी और अब क्या करेंगे, ये तो हो गया एक बात, ठीक है। अब एक कोण ले लेते हैं, ये वाला जो कोण लेंगे वो इसके बराबर कह सकते हैं, ये तो सॉरी ये वाला नहीं कह सकते हम, ये वाला कोण, क्योंकि ये वाला कोण तो इसके बराबर है क्योंकि दिया है हमें जो है, मतलब कोण ABC, कोण ABC जो है बराबर होगा कोण किसके, ABC जो है बराबर होगा कौन किसके, MEF के, कौन MEF, ये कैसे आया, ये दिया है आपको, ठीक है ना, ये आपको दिया है, इतनी बात क्लियर हो गई। और एक भुजा भी दे रखी है बराबर, ये कौन इसके बराबर दे रखा था ना, एक भुजा दे रखी है कि BC बराबर EF के, BC बराबर है EF के, ये भी आपको दे रखा है। और अब इससे क्या कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के, और कैसे SAS सर्वांगसमता
कसौटी से, देख लिए जी, ये दोनों हो गए, मतलब ये सर्वांगसम से दो गए। अब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट या संगत भाग जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम कहेंगे कि ये वाला जो कोण है जिसे हम पहले कर रहे थे वो भूल से हो गया था, कि जो ये वाला कोण है ए सी बी, इसलिए कोण ए सी बी बराबर होगा कोण एम एफ ई के, एम एफ ई के, ठीक है। ये कैसे हुआ, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी, बाय ना करके इसको लिख देंगे सी पी सी टी से, ठीक है, सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो अब ए सी बी बराबर हो गया है कोण एम एफ ई के, ठीक है। ए सी बी का मतलब ये कोण बराबर हो गया है इस वाले के, ठीक है। लेकिन लेकिन ये जो कोण था ए सी बी वो किसके बराबर था, कोण डी एफ ई के। यहाँ से दिखेगा आपको कि ए सी बी बराबर किसके है, ये देखिए ए सी बी बराबर है कोण डी एफ ई के, ठीक है। लेकिन कोण ए सी बी बराबर है कोण डी एफ ई के, ठीक है। कोण ए सी बी बराबर कोण डी एफ ई के है, ठीक है ना। सर्वांगसम सिद्ध होने का सी पी सी टी से तो हमने ये लिख लिया कि कोण ए सी बी बराबर हो गया कोण एम एफ ई के, ठीक है। लेकिन जो ए सी बी था डी एफ ई के वो तो दिया था शुरुआत में ही हम लेकर चले थे, ठीक है। तो अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को देखिए, ए सी बी इसके बराबर है, ए सी बी इसके बराबर है, इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाए, डी एफ ई के बराबर हो जाएगा, मतलब एम एफ ई जो है डी एफ ई के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको या तो समीकरण आप एक उसको मान लेते हैं, इसको समीकरण दो मान लेते हैं, इसको तीन मान लेते हैं। तो समीकरण दो व तीन से आपका आ गया कोण एम एफ ई बराबर आ गया कोण डी एफ ई के, ठीक है। कोण एम एफ ई बराबर आ गया कोण डी एफ ई के। अब देखिए यहाँ पर कि एम एफ ई मतलब ये छोटे वाला कोण जो था, एंगल जो है, कोण जो है वो किसके बराबर आ गया, कोण डी एफ ई के, डी एफ ई सेम उसी तरीके से ये पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के, ठीक है। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि कोण एम एफ ई बराबर है कोण डी एफ ई के, उसी तरीके से लिखना है बिल्कुल, कि अब ऐसा तभी संभव हो सकता है, ऐसा तभी संभव हो सकता है, कब संभव हो सकता है, जब बिंदु एम जो है, बिंदु M, ये बिंदु M कहाँ पर हो, बिंदु D पर हो, बिंदु M बिंदु D पर हो, D पर हो या उसके संपातीय हो, बात एक ही है, ठीक है, ये वाली बात। और जब ये M D पर अगर शिफ्ट कर देते हो, M को आप D पर रख दो, तो ये जो पहले तो D ही था अब M ही हो गया, और बात क्या होगी, वही होगी, उतनी दूर उतनी डिस्टेंस उसकी है उतनी उसकी है, मतलब एक ही भुजा हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, अब एम डी बराबर क्या होगा, सॉरी एम ई बराबर, एम ई बराबर क्या होगा आपका, डी ई के होगा, ठीक है। समीकरण एक इसको मानी थी हमने, इसको मानी थी, समीकरण दो इसको, समीकरण तीन इसको, समीकरण चार इसको मान लीजिए। अब देखिए एम ई बराबर डी ई, ठीक है, ये आया, और एम ई बराबर ए बी कहाँ था, ये रचना से था, ठीक है। तो समीकरण एक व चार से, एक व चार से क्या होगा, कि ये एम ई ए बी के बराबर है, एम ई डी के बराबर है, इसका मतलब ए बी बराबर क्या आ गया, यहाँ से भी ए बी बराबर आ गया आपका डी ई। देख लीजिए आप, ए बी अब की बार भी डी ई के बराबर आ गया, कब आया, जब हम ए बी को डी ई से छोटा भी लेकर चलते हैं तब भी ए बी जो है, ए बी जो है डी ई के बराबर ही आया है। क्यों आया है, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, सर्वांगसम त्रिभुज के सभी संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए ए बी फिर से डी ई के बराबर आ गया है। चाहो आप इसको बड़ा लेकर चलो, चाहो छोटा लेकर चलो, लेकिन ये आएगा कब, आएगा ए बी डी ई के बराबर ही। अब ए बी डी ई के बराबर है बी सी ई एफ के, सॉरी कौन ए बी सी, कौन ए बी सी बराबर है कौन डी ई एफ के, ठीक है, और बी सी बराबर है ई एफ के, बी सी बराबर है ई एफ के। तो आप कह सकते हो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होंगे त्रिभुज डी ई एफ के, एस ए एस सर्वांगसमता कसौटी से, ये देख लीजिए।
आपका कंप्लीट हो गया। मैंने इसके तीनों पार्ट कराए हैं, ए बी को एक बार डी ई के बराबर, ए बी लेस देन डी ई, ए बी ग्रेटर देन डी ई, बड़ा है छोटा है दोनों तीनों करके देख लिए। तीनों से हमारा जो है सिद्ध हो जाता है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समय त्रिभुज डी ई एफ के। अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।